नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आज विद्युत मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय कमेटी आजमगढ़ के आह्वान पर मुख्य अभियंता कार्यालय आजमगढ़ पर धरना प्रदर्शन किया गया। पत्रकारों से हुई बातचीत में क्षेत्रीय अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने कहा कि संविदा कर्मियों को नियमित किए जाने व हम विभिन्न प्रकार की मांग करते हैं। इस मौके पर काफी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। क्या कुछ कहा क्षेत्रीय अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। ब्यूरो रिपोर्ट, अमित खरवार। हम जितेंद्र कुमार, उपखंड अधिकारी बिजली विभाग, उपखंड मुबारकपुर, पंचम डिवीजन आजमगढ़। आज किन मांगों को लेकर आप अभियंता कार्यालय पर? आज जो है कि हम लोग का सबसे पहले तो जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 का जो प्रस्ताव पास हुआ है कि बिजली क्षेत्र का निजीकरण करना, उसका हम लोग प्रमुख है। मतलब निजी जो फैसला हुआ है इसको जो सरकार वापस करे, और उसके अलावा तो मांगे और भी हैं जिसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। बता दूँ कहे तो पहले हम लोग का मन है कि उसको निजीकरण के हम लोग खिलाफ हैं, निजीकरण को बंद किया जाए। बाकी हम लोग मांग तो जो है हम लोग लेते रहेंगे। मांगे जो है हम लोग काम कर रहे हैं, उनको जो 5 साल से काम कर रहे हैं या जिसका नाम पोर्टल पर अंकित है, उनको जो है जो 35,000 रिक्त पद है उसको पहले सरकार भरे, और जो समान काम का समान वेतन जो है कि हमारे यहाँ 12 महीने काम होता है, लगातार काम होता है, इसलिए समान काम का समान वेतन जो है इनको दिया जाए। इनको अभी मिनिमम वेज दिया जा रहा है समान काम का। अगर ये सारी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे आपकी क्या रणनीति? आगे जो है कि हम जो केंद्र से दिशा निर्देश मिलेगा उसके अनुसार काम किया जाएगा। हम लोग जो है उस जो केंद्र से दिशा निर्देश मिला हुआ है लखनऊ से, उसके अनुसार काम कर रहे हैं।